वेलकम टू ऑल टू योर साइंस ऑनलाइन क्लास क्लास 4 लेसन 7 फूड. इन प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड न्यू लेसन लेसन 7 फूड एंड टुडेज टॉपिक इज एनर्जी गिविंग फूड. सो लेट अस स्टार्ट. पेज नंबर 52. स्टूडेंट्स, वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. Nutrients are substances present in the food. They provide us energy, help us grow, keep us healthy, disease-free and strong. Children, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the main nutrients found in our food. हमारे फूड में ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट फंक्शन. अब इनका फंक्शन भी अलग अलग है एंड आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम. अब अलग अलग फूड आइटम में से अलग अलग ये न्यूट्रिएंट्स अलग प्रकार के हमें मिल जाते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी इन वन वे और द अदर. द फूड्स दैट वी ईट शुड प्रोवाइड वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी सो दैट वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सो इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. हमें एक ही तरह का आहार नहीं करना है, अलग अलग फूड आइटम खाने हैं. ओके, लेट अस क्लासीफाई डिफरेंट फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय देम. लाइक पहला तो है एनर्जी गिविंग फूड है. कुछ फूड जो है कि वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, हमारे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए. थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड है और अदर बहुत सारे एसेंशियल फूड है. वी विल सी वन बाय वन. सो नंबर वन, एनर्जी गिविंग फूड्स. चिल्ड्रन, our body needs energy to do all types of work in our daily life. Correct? हमें काम करते वक्त energy की बहुत ज़रूरत होती है. And carbohydrates and fats are the nutrients that provide energy to our body. ये जो carbohydrate और fats होते हैं तो quickly हमें energy provide करते हैं. And thereby help it perform various function. ओके, फैट्स नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. सिर्फ एनर्जी नहीं देते फैट्स, बट ऑल्सो कीप अस वार्म. हमें बॉडी को वार्म फील करवाते हैं फैट्स. तो इसलिए विंटर में हम फैट्स जिसमें ज़्यादा है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स या और अदर जो थिंग्स है ऑयली, वो हम फूड खाना पसंद करते हैं और खाना ही चाहिए. फूड स्टफ्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर therefore कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं जिस फूड स्टफ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं. अभी हमें ये देखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स किस में मिलते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज़, शुगर, पोटैटोज, हनी, शुगर केन आर सम ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और फैट्स के तो आप जानते ही है, जो भी घी है, ऑयली है सब्सटेंस, उसमें हमें फैट्स मिलते हैं. नाउ कम ऑन सी द पिक्चर. फूड कंटेन फैट्स. फैटी मीट्स एंड फिश, एवोकाडो, चीज़, बटर, देन नट्स एंड सीड्स, चॉकलेट्स, ऑल दिस फूड कंटेन फूड आइटम कंटेन्स फैट्स. डू यू नो चिल्ड्रन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अबाउट 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, वाइल 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अबाउट द 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो फैट्स अगर ज़्यादा खाएंगे तो उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपको मिलेंगी. चिल्ड्रन, सी द सोर्सेज ऑफ फैट्स गिवन ऑन पिक्चर्स ऑन योर पेज 53, पेज नंबर. बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड मीट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो इसमें फैट्स ज़्यादा है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स. आई रिपीट अगेन चिल्ड्रन, सो टूडे एनर्जी गिविंग फूड हमने देखे थे, 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 फैट्स. ओके, सो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइस, वीट, शुगर, मेज, पोटैटोज, हनी एंड द फैट्स, द सोर्सेस ऑफ फैट्स, बटर, ऑयल, घी, नट्स, मीट. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दिज आर द एनर्जी गिविंग फूड. सो दिस टॉपिक फिनिश टुडे हियर. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. Number one, what are nutrients? You will get each and every answer. Read page number 52.
क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, वो भी देखना है। क्वेश्चन थ्री, राइट द मेन फाइव न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर बॉडी, मैंने आपको दिए हैं, चार लिखे थे, आपको पांच लिखने हैं, वहाँ पे है। फोर क्वेश्चन, नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, जो अभी आज हमने पढ़े वही लिखना है। क्वेश्चन फाइव, राइट टू सोर्सेज ऑफ ईच, नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, नंबर टू फैट्स, सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर रब बुक। सो चिल्ड्रन, ऑल दिस क्वेश्चन नोट डाउन इन योर रब बुक, मार्क इन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट केयर विथ गुड हैंड राइटिंग विथ आंसर इन रब बुक, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, stay healthy, eat healthy always. Wait for next video with new next topic, bodybuilding foods. Till then, goodbye, have a nice day.